जय हिंद। देखिए इस वीडियो में जानते हैं नर जनन तंत्र के विषय में। तो सबसे पहले हम नर जनन तंत्र को चित्र के माध्यम से समझते हैं। है क्या बाबू? यही होता है हमारा नर जनन तंत्र। तो सबसे पहले हम समझते हैं है जो लिखल है इनका नाम क्या होता है। इसी वीडियो में आगे समझेंगे पारी पारी से इन सब का कार्य क्या होता है। चलिए अब ध्यान समझिए। देखिए है जो अंगोलका दिखाई दे रहा ना, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम टेस्टिस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोला जाता है? तो इसे हम वृषण बोलते हैं। देखिए जो टेस्टिस होता है और जो पेनिस होता है, यही दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काहे निभाता है? तो टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म बनता है, और अंडाशय तक स्पर्म को ले जाने का काम किसका होता है? तो पेनिस का होता है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ में आ गया? अब इसके विषय में जानिए। देखिए जो टेस्टिस होता है इसे हम क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। अभी हम समझेंगे इन सबका कार्य भी क्या होता है। अगला देखिए हर जो जगहिया बचाना है बीचों में, है जो जगह बचाना है इसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रूटम बोलते हैं, और इसे वृषण कोष बोला जाता है। है देखिए है जो दूसरी दिखाई रहा नली, इस नली को हम क्या बोलते हैं? बेस डिफरेंस नस बोला जाता है। हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी बोलते हैं। समझ में आ गया इतना? अब यहाँ पे देखिए है देखिए दूठिया ना, दूठी पाई ऊपर खींचा रहा, इसे हम बोलते हैं मूत्र नली, इसे हम यूरेट्रा बोलते हैं। और यहाँ पे जो है गोलका दिखाई रहा ना छोट के, इसे हम बोलते हैं शुक्राशय। इतना समझ में आ गया? अब देखिए है देखिए गोल के दिखाई दे रहा है, ये गोल का हम बोलते हैं मूत्राशय, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ब्लडर। और है जो गोल का दिखाई दे रहा है इसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। और है जो जगह दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, इसे हम शिश्नयानी पेनिस से बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिए देखिए है जो दूसरी नली आई ना, है नली और है नली, इस नली को हम बोलते हैं मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया कि इन सब का नाम क्या होता है। अब हम पारी पारी से समझते हैं इन सब का कार्य क्या होता है। चलिए अब ध्यान समझिए। देखिए सबसे पहले हम टेस्टिस के विषय में समझते हैं, यानी यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, ऐसे ऐसे पूरा हम समझते हैं। तो पहला क्या होता है? टेस्टिस होता है। देखिए ये सभी पशु मानव में पाया जाता है, यानी हजन गोल का टेस्टिस होता है। ये मत समझिए कि दूठी है, एक ठोरक हम इमेज बनाया है, एक ठोरक का नहीं बनाया। तो देखिए जो टेस्टिस होता है ये सभी पशु और मानव में पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है? ये शुक्राणु का निर्माण करते हैं, यानी जो टेस्टिस होता है ना ये गोल होते हैं, और ये क्या होते हैं? हमारे शरीर से बाहर लटके हुए दो भाग होते हैं, और उसी में क्या बनता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर पूछता है कि इनका संख्या कितना होता है तो टेस्टिस की संख्या दो ठोर होता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझ देखिए ये निषेचन के स्थान तक पहुँचाते, यानी जो टेस्टिस होता ना तो जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो किसके माध्यम से होता है? इसी के माध्यम से होता है। तो यही पहुँचाने का काम कौन करता है? इसमें बनता है, और जैसे नस लेके जाता है तो जो शिश्न होता है वहाँ अंडाशय तक पहुँचाने का काम करता है। यानी जो टेस्टिस होता है ये निषेचन के स्थान तक पहुँचने का भी कार्य करता है। एक बात बताइए, जब बेचारा स्पर्मा पहुँचबा नहीं करेगा टेस्टिस वाचन करके तो घंटा बच्चा पैदा होगा? तो यही पहुँचने का कार्य करता है। ये काम किसका होता है? तो टेस्टिस का। समझ में आया? अगला देखिए सबसे मुख्य काम क्या होता है? ये टेस्टोस्टेरोन का क्या करता है? निर्माण करता है। देखिए जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है ना, दाढ़ी हो गया, बाल हो गया, इन सबको बनाने में क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं उनको भी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हो गया किसका काम? तो टेस्टिस का। अगला देखिए स्क्रूटम। देखिए स्क्रूटम को हम क्या बोलते हैं? तो हम वृषण कोष बोलते हैं। अब इसके विषय में जानिए। देखिए ये वृषण कोष होता है, और टेस्टिस के अंदर स्ट्रक्चर को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। यानी है गोलका का बाबू है टेस्टिस है, ये इसके अंदर का क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री सब है ना, अब देखिएगा चार ठो पाँच ठो एकदम पिछवा सब लगा लगा कमांडो, कौन आएगा तुरंत हम बंदूकी धन 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 धाक देंगे। उसी तरह से जो टेस्टिस होता है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? तो स्क्रूटम यानी वृषण कोष क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी रखवारी करता है। और क्या होता है? देखिए जहाँ स्पर्म बनता है अन्य हार्मोन्स को बनाने में भी क्या करता है? ये मदद करता है। यानी इसमें क्या होते हैं? हार्मोन्स बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, इस सबको क्या करता है? बनवाने में मदद भी करता है। और मदद कैसे करता है भैया? जब प्रोटेक्ट ऐसा एकदम खड़ा रहेगा, माँ जी आपके घर पे कोई आदमी आ रहा है मार करने के लिए, आप अपने घर के गेट पर ऐसे खड़े हैं, आप अब तुम के पटकतानी वो बेचारा डेराज करी कहे का बड़ा पढ़ान पालवान है, ये तो हमको मार देगा, तो आप अपने घर का प्रोटेक्ट करें। उसी प्रकार से जो टेस्टिस में हार्मोन्स बनते हैं स्पर्म बनते हैं उनका प्रोटेक्ट कौन करता है? तो स्क्रूटम करता है। समझ में आ गया? अगला है बेस डिफरेंस नस। देखिए बेस डिफरेंस नस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? शुक्रवाहिनी बोलते हैं। अब समझते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। देखिए स्पर्म को ले जाने का ही रास्ता होता है। एक बात बताइए यहाँ कहाँ बनता है बाबू?
तो स्पर्म बनता है। क्या बनता है? स्पर्म बनता है। अब एक बात बताइए, अगर बन के यही में ससुर रह जाएगा तो आगे जीवन नहीं करेगा, तो कोई रास्ता होना चाहिए ना इसको ले जाने का पेनिस तक। देखिए यही जो वेट डिफरेंस है, जो नस होता है ना इसमें बनता है, और इसी के माध्यम से धीरे धीरे क्या होता है ये पेनिस तक चला जाता है। तो जो वेट डिफरेंस नस होता है ये क्या करता है, देखिए स्पर्म को ले जाने का एक रास्ता होता है, और यही स्पर्म को ले जाके क्या करता है पेनिस तक ले जाता है। ये किसका काम होता है भैया? तो वेट डिफरेंस का। ये तीन काम आपको समझा गया, टेस्टिस का काम समझा गया, स्क्रूटम का काम समझा गया, और वेट डिफरेंस नस का। वेट डिफरेंस नस वह होता है जो किसी भी माध्यम को ले जाने का काम करता है। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो कोई रास्ता होगा, चाहे आप ट्रेन से जाइएगा चाहे बस से जाइएगा, तो कुछ रास्ता होता है। उसी तरह से स्पर्म को ले जाने का रास्ता कौन होता है? तो ये वेट डिफरेंस नस होता है। इतना आपको समझा गया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं मूत्र नली के विषय में। इसे अंग्रेजी में हम यूरेटर बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? देखिए ये पेशाब को मूत्राशय तक ले जाने का काम करता है। जैसे पेशाब जाता है ना तो पेशाब कहता है हम तो बड़ी फास्ट हैं, इधर उधर एकदम ताकता है, तब तक ये गाँव खड़ रहा था, कहते कहाँ चचा तुम कहाँ जा रहे हो, कहते हम तो जा रहे हैं भैया। ये क्या करता है, उसको पकड़ के मूत्राशय में ले जाने का काम करता है। देखिए हाई वाला क्या होता है, ये नली होता है, और ये नली क्या करता है तो सीधे ये मूत्राशय से जुड़ा हुआ होता है, और जैसे पेशाब जाता है यह पकड़ के इसको क्या करता है इसमें ले जाके रख देता है। और इसका काम क्या होता है, देखिए ये शरीर के खराब पदार्थ को निकालता है, यानी बहुत सी चीज़ हम खाते हैं दाल भात सब्जी रोटी पूरी कचौड़ी, तो जो भी खराब पदार्थ होता है ना ये कहता है चल हम तुमको बाहर ढके लेते हैं। खराब पदार्थ कहता नहीं हम नहीं जाएंगे इसी में रहेंगे। ये क्या करता है, उसको ढकेलने का काम किसका होता है तो ये मूत्र नली का होता है। और काम क्या होता है, देखिए ये रक्त की मात्रा रक्त के चाप को भी नियंत्रित करता है, और रक्त के पीएच मान को भी नियंत्रण करता है, यानी हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसके रक्तचाप को रक्त की मात्रा को सबको नियंत्रित कौन करता है तो मूत्र नली करता है, और रक्त के पीएच मान को भी नियंत्रित कौन करता है तो यही मूत्र नली करता है। समझ में क्या? अगला होता है देखिए शुक्राशय। ये गोल का दिखाई दे रहा है गोलका गोलका, इसी गोलका को हम बोलते हैं शुक्राशय। देखिए इसका कार्य क्या होता है, ये शुक्र रस का क्या करता है श्रवण करता है, यानी हमारे शरीर में क्या बनता है शुक्र रस, उसका श्रवण कौन करता है तो ये शुक्राशय करता है। और देखिए ये पुरुष के दोनों टांगों के बीच में ये लटके हुए भाग होते हैं, यानी शुक्राशय होते हैं पुरुष के दोनों टांगों के बीच में लटका हुआ होता है। और इसका काम क्या होता है, जो लगभग कुल वीर्य का 60-70% हिस्सा होता है। आप यहाँ पर समझ, देखिए 60-70% हिस्सा ये वीर्य का अकेले किसका होता है तो शुक्राशय का होता है। देखिए टेस्टिस का काम क्या होता है, ये स्पर्म को बनाएगा, और जैसे बनाएगा ना तो बाहर जाने लगता है, तो ये जगह खड़ा होता है, कहता है चचा अरे कुछ हमको चाहिए, तो कहता का लोगे तुम, कहता अरे हमको कुछ दे दो। ये क्या करता है, वीर्य का 60-70% हिस्सा इसके अंदर चला आता। और इसमें क्या क्या चीज़ है, देखिए फैक्टोज प्रोस्टाग्लैंडिन फाइब्रिनोजन ये सब प्रोटीन होते हैं, और ये सब प्रोटीन किसके अंदर पाए जाते हैं तो शुक्राशय के अंदर, यानी यही गोलका के अंदर ये सब क्या होते हैं प्रोटीन पाए जाते हैं। समझ में गया? और देखिए ये शुक्राणु को गति देता है। अब यहाँ जैसे शुक्राणु निकलेगा ना तो बड़ा धीरे धीरे हमारा तो कोई मार के लगता है पैर टूट दिया ससुरा, ठीक है अच्छा अभी हम खड़े हैं आओ तुमको, ये समझिए कि डॉक्टर टाइप का होता है। और जैसे शुक्राणु धीरे धीरे एकदम चलता है उसको पकड़ के आकर ससुरा ने लाओ इलाज करते हैं, इलाज करके मार का धड़ाक से, और जैसे वहाँ ढकेलेगा ये सब एकदम भागता एकदम दन 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 कर, अरे बाप बाप अब तो हमें बहुत गति मिल गया। तो यानी शुक्राणु को गति भी देने का काम किसका होता है, ये शुक्राशय का। समझ में गया? अगला देखिए, अगला है मूत्राशय। अब यहाँ पे समझिए है जो गोलका होता है बाबू इसे हम क्या बोलते हैं मूत्राशय बोलते हैं। और ये मूत्राशय जो हम देखिएगा ना ये क्या होता है एक थैली के टाइप का होता है, यहाँ पे समझिए ये थैली होता है, और ये मूत्र को एकत्र करने का भी काम करता है। अब जैसे पेशाब जाएगा ना कि देखेगा ओ तेरी का मूत्र नल क्या करता है उसको उसी में ढकेल देता है, वो क्या करता है उसको एकत्र करता है। जैसे माँ जी आपके घर पर कुछ सामान रखा है तो पुरुष सब तो उतना एकत्र नहीं करता है, लेकिन महिला सबको देखेगा कोनो सामान रहेगा तो ले जाके जतना देगी सब। और देखिए जब भी महिला सामान रख देगी ना तो कोनो हाली पैबू नहीं करता है, तो उस सामान को क्या करते एकत्र करते। उसी प्रकार जो हमारे शरीर में जो पेशाब होता है उसको एकत्र कौन करता है तो मूत्राशय, यानी ब्लेडर में क्या करता है वो जम जाता है। यानी क्या होता है ये थैली होता है और मूत्र को एकत्र करता है, और क्या होता है इच्छा अनुसार बाहर करता है। जब आदमी का इच्छा होगा कि अब हमको पेशाब करना है ना
तब वो बाहर करेगा, अपने मर्जी से कर वो नहीं करेगा। आपको 5 मिनट में पेशाब करना है, 10 मिनट में, 1 घंटा में, 2 घंटा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है और कब जाइएगा। देखिए पेशाब तो आदमी बड़ा विलंब में रोक के रखता है, तो आपकी इच्छा के अनुसार क्या करता है, ये भेजता है। जब आपका इच्छा होगा तभी भेजेगा। छोटा बच्चों को देखिएगा, बेचारा बिछौना सूतल रहेगा, इच्छा करेगा कि हमको इसी पर पेशाब करना है, उसी पर कर देगा। तो मम्मी पापा कहते हैं बहुत बकलो लेकर एकदम पेशाब कर देता है, चटाई बिछाना पड़ता है, पन्नी बिछाना पड़ता है। तो छोटे बच्चे होते हैं उनका इच्छा अनुसार वो भी करता है, लेकिन जहाँ नहीं तहाँ इच्छा कर देता है, सब पेशाब कर देता है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनका इच्छा अनुसार क्या करता है कि हमको वहाँ जाकर पेशाब करना है। तो जब आपका इच्छा करेगा ना तब वही बाहर करेगा, उसी बाहरों नहीं भेजेगा। इसलिए देखिए ये थैली में जाके जम जाता है, और इच्छा अनुसार जब हमारा इच्छा करता है कि हमको पेशाब करना है तब कौन भेजता है, तो जो मूत्राशय होता है ये इच्छा के अनुसार तब जाओ चाचा, तो चाचा को क्या करता है ये बाहर भेज देता है। ये किसका काम हो गया, मूत्राशय का। इतना क्वेश्चन में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब प्रोस्टेट ग्लैंड, सीसन और मूत्राशय के विषय में थोड़ा समझते हैं। चलिए अब समझते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के विषय में। चलिए ध्यान समझिए, देखिए हजन गोलका आपको दिखाई दे रहा ना, इसे हम क्या बोलते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, इसे हिंदी में प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। एक चीज़ देखिए, हयो नली यहाँ से गई है और हयो वहाँ से आई है, तो जो बीचों में इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, देखिए ये अखरोट के बराबर होता है, यानी हमारे शरीर में हजन गोलका दिखाई दे रहा ना ये अखरोट के बराबर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। अब देखिए ये दूधिया तरल पदार्थ होता है, यानी देखिए जो भी यहाँ से है क्या है टेस्टिस है, अब यहाँ जैसे इस पर मैं जाएगा ना हई रास्ता से, ये अगर उसको रोकेगा ये चाचा कहाँ जा रहे हो, रुको रुको, अब जैसे रुकेगा ना तो जो उसके अंदर ये दूधिया वाला तरल पदार्थ होता है उसी में ढकेल देता है। तो जब भी आपका स्पर्म निकलेगा ना तो देखिएगा वो दूधिया और सफ़ेद कलर का ही होता है, दूसरा कोनो कलर नहीं होता है। तो उसको सफ़ेद और दूधिया कलर बनाता कौन है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड, इसी में क्या होता है दूधिया पदार्थ होता है। अब जैसे जाएगा ताकिएगा कौन आ रहा, अच्छा आ रहा है, रुको रुको तुमको बता दें, ढके पकड़ लेगा और पकड़ के तरल पदार्थ में डाल देगा, तो हमें दिखाई देता हो सफ़ेद और दूधिया कलर, तो कौन करता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड, समझ में आ गया। और इसका कार्य क्या होता है, देखिए ये शुक्राणुओं को भोजन के रूप में कार्य करता है। देखिए जो शुक्राणु होता है उसको भोजन चाहिए, अब भोजन कौन देता है भैया, तो प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसे मान लीजिए आदमी बेचारा दाल भात सब्जी रोटी जो मन करता खाता है, पशु पक्षी सब लोग खाते हैं, उसी प्रकार से हजम टेस्टिसों में जो शुक्राणु बनता है ना, अगर इसको भोजन नहीं मिलेगा तो जैबा नहीं करेगा, एकदम मदद हमारा आदमी उनको खाना नहीं दे रहा, हम घंटा आगे जैबा नहीं करेंगे। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, अरे कहे चाचा परेशान हो तुम, अरे हमारे पास आओ, हम तो तुम भोजन देते हैं ना, ती बेचारे हंस के तुम धीरे धीरे जाएगा मधुआ के जाएगा, और जैसे भोजन पाएगा कहेगा अब हमारा भी पेट भर गया, उसको भोजन के रूप में कार्य कौन करता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड, समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला है शिश्न। देखिए शिश्न को हम क्या बोलते हैं, तो पेनिस बोलते हैं, और पहले ही हम आपको बताए हैं जो टेस्टिस होता है और शिश्न होता है यही क्या कहते हैं नर जनन में सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब हम शिश्न के विषय में समझते हैं। देखिए ये बेलनाकार होता है और टेस्टिस के मध्य में होता है, यानी टेस्टिस कितना होता है, दूठी, यहाँ पे समझिए दूठी क्या हो गया बाबू, टेस्टिस हो गया, और इसी के मध्य में क्या होता है पेनिस होता है, यानी टेस्टिस के मध्य में क्या होता है बाबू, तो ये पेनिस होता है। देखिए सामान्य अवस्था में छोटा होता है, जब सामान्य अवस्था रहेगा ना तो छोटा रहेगा, लेकिन पेशाब करते समय सेक्स करते समय क्या होता है ये बड़ा हो जाता है। लेकिन सबसे मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये पेशाब के लिए, यानी जो पेनिस होता है सबसे मुख्य काम क्या होता है, तो पेशाब के लिए होता है। ये क्या होता है, ये बेलनाकार होता है, सामान्य अवस्था में एकदम निसुआ जाएगा, लेकिन जैसे आपको पेशाब लगेगा तो क्या होता है बड़ा हो जाता है, सेक्स करते समय बड़ा हो जाता है। और इसका काम क्या होता है, सबसे मुख्य काम ये पेशाब को बाहर करने का काम किसका होता है, यानी शिश्न, यानी किसका होता है ये पेनिस का होता है, समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला होता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग का काम क्या, देखिए इस नली से पेशाब और स्पर्म बाहर जाते हैं। अब भाई ये नली है ना, इसी नली को हम क्या बोलते हैं, तो मूत्र मार्ग बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ से जाएगा स्पर्म और किडनी से क्या आएगा पेशाब आएगा, तो दोनों कहाँ जाके मिलेगा भैया, इसी रास्ते से आएगा ना। अब यहाँ से इसे निकल के जाएगा एकदम भागेगा सन 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 स्पर्म और किडनी से होते हुए क्या आएगा पेशाब आएगा, तो दोनों किसके रास्ते से आते हैं, तो यही रास्ते से आते हैं। अब जब दोनों एक के रास्ते जाएगा ना तो कहेगा अच्छा आ रहे हैं सब लोग, तो ये क्या करता है, देखिए स्पर्म और पेशाब को बाहर करने का काम किसका होता है भैया, तो ये मूत्र मार्ग, समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन सब का नाम क्या होता है और सभी का कार्य क्या होता है, समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।